ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 का मैथ रियल नंबर। और इसमें हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको तीन चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। पहला है इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है, देखिए ये एक डिवीजन प्रोसेस है जिसके हेल्प से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर का। यदि आपके पास दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है तो आप इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, अलवेज लेस होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। सेकेंड है, यदि आपका दो नंबर है, वो नंबर है ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर है, और इसका एस सी एफ और एल सी एम, ठीक है, एस सी एफ इंटू एल सी एम, मतलब इस दो नंबर का जो एस सी एफ है और एल सी एम है, इसका जो प्रोडक्ट है इस दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, यदि ये दो पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। और थर्ड नंबर यहाँ पे कंसेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में जो डेसिमल है वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक नंबर ले लिए यहाँ पे 25/4, एक नंबर आपने ले लिया 10/3, और एक ऐसा नंबर जो रूट लगा हुआ है जो इरेशनल होता है। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ 25, क्लियर है। तो आप डिवाइड करेंगे 6×4=24 हो गया, बचा यहाँ पे 1, अगेन यहाँ पॉइंट जाएगा, डेसिमल के फॉर्म में ब्रेक करना है इसको। तो यहाँ पे 10 हो गया, 4×2 यहाँ पे 8 हो गया, माइनस किए तो अगेन 2 हो गया, और यहाँ पे अगेन 0 आएगा, और 4×5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर है। नाउ ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये पूरा डेसिमल जो है कैंसिल हो चुका है, इसलिए टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेट हो चुका है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है 3 और ये क्या है 10। नाउ 3×3 जा कितना हुआ, 9, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अगेन डेसिमल पुट करेंगे 0 आ गया, 3×3 जा कितना हुआ, 9, अगेन 1 आया, तो ये बार बार 1 आ रहा है कि नहीं, 0 आया, 3×3 जा 9, अगेन यहाँ 1 आया, तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा बात यहाँ पे समझिए, यहाँ बार बार एक ही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, 3×3×3×3 बार बार आएगा, तो इस नंबर का नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसका नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो यहाँ पे रूट में नंबर लगा है इसका आइडिया करके मैं वैल्यू आपको बताता हूँ, 1.141 ऐसा डॉट 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 इसका कुछ वैल्यू होता है। तो ऐसा नंबर का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसका नाम हो गया नॉन रिपीटिंग, क्लियर है, शायद आपको समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, यदि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो वो होगा क्या, वो होगा रेशनल, है ना। और ऐसे भी देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, रेशनल। लेकिन ए भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये जो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो अलवेज क्या होता है, रेशनली होता है, क्लियर है। और ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्लियर है। यहाँ पे शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो टर्मिनेटिंग है उसको रेशनल कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल कहा जाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट जो है फिनिश हुआ तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गिवेन दैट एस सी एफ ऑफ 253 and 440 = 11, दो नंबर है और इसका एस सी एफ गिवेन है कितना, 11।
तो यहाँ पे एलसीएफ गिवन है 11, और दो नंबर है तो यहाँ पे नंबर ए, पहला नंबर को ए बोलता हूँ मैं, तो कितना है 253। दूसरा नंबर बी है उसका वैल्यू कितना है 440। एंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर आर 253 इंटू आर, और इसका जो एलसीएम है वो कितना गिवन है 253 इंटू आर। द वैल्यू ऑफ आर इज, तो इस आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। नाउ कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। नाउ एचसीएफ कितना गिवन है 11, एलसीएम कितना है 253 इंटू आर, और ए का वैल्यू कितना गिवन है 253, एंड बी का वैल्यू कितना गिवन है 440। क्लियर है, दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 253 इंटू आर में, तो क्या होगा 11 इंटू 253 इंटू आर ही होगा, और यहाँ पे 253 है तो 253 इंटू 440 है तो 440। 253 से 253 कैंसिल, और 11 से ये कैंसिल होगा 40 टाइम में, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट हो गया। इजी था ना ये। क्वेश्चन नंबर टू के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इरेशनल नहीं होगा, दैट मीन्स रेशनल पूछा जा रहा है, आपको रेशनल खोजना है। क्लियर है, रेशनल नंबर। अब देखिए, जिसमें रूट लगा है और जिसका रूट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा इरेशनल होगा, और जिसका रूट ब्रेक हो जाएगा वो क्या होगा रेशनल होगा। नाउ ये रूट थ्री ब्रेक नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या है इरेशनल। रूट फाइव ब्रेक नहीं होगा इरेशनल। रूट टू ब्रेक नहीं होगा इरेशनल। लेकिन ये रूट नाइन ब्रेक होगा, और रूट नाइन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, हम लोग लिख सकते हैं इसको थ्री का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री। नाउ सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द एच सी एफ इंटू एल सी एम फॉर द नंबर 50 एंड 20। अब देखिए ये ए है और ये क्या है बी है, और एच सी एफ इंटू एल सी एम पूछा जा रहा है। तो मैंने फार्मूला बताया था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू क्या बताया था ए इंटू बी। नाउ ए कितना है 50 एंड बी कितना है 20। 50 इंटू 20 कितना होगा 1000। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया सी, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर, इक्लूड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, ये एक इक्लूड डिवीजन लेमा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आर का वैल्यू मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट दे रहा था आपको, तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या होगा जीरो से ग्रेटर इक्वल होगा, लेकिन बी से क्या होगा लेस होगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पे आंसर को देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू तो इक्वल है, दैट मीन्स कैंसिल हुआ, यहाँ लेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल है ही नहीं, जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए ए भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द प्रोडक्ट ऑफ द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है टू होता है। क्लियर है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है फोर होता है। इसका एच सी एफ और एल सी एम पूछा जा रहा है, एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। नाउ ये यदि ए है और ये क्या है बी है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या है फॉर्मूला ए इंटू बी, और ए और बी कितना है टू, और ये कितना है फोर, आंसर कितना हुआ एट। ऑप्शन डी क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन द फ्लोइंग रियल नंबर्स व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी पूछा जा रहा है। नाउ याद रखिएगा, यदि कोई भी नंबर आपके पास है और आपसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पूछा जा रहा है, तो उसका जो डेनोमिनेटर है, क्लियर है, ऊपर वाला को न्यूमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाला को डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर हमेशा टू और फाइव के फॉर्म में नहीं होगा, वो टू और फाइव के फॉर्म के वदर फॉर्म में होगा, जैसे थ्री के फॉर्म में हो गया, सेवन के फॉर्म में हो गया, एलेवन के फॉर्म में हो गया। तो ऐसा नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है। थ्री होना चाहिए, सेवन होना चाहिए, एलेवन होना चाहिए, खोजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हुआ करेक्ट हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, फाइंड द करेक्ट आंसर रूट सेवन इज। तो रूट सेवन क्या है, इंटीजर्स तो हो नहीं सकता, रेशनल तो हो नहीं सकता, प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता,
इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जिसका रूट ब्रेक नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एलसीएम ऑफ 91 एंड 26, यानी कि दो नंबर है तो पहला नंबर ए का वैल्यू कितना है 91, दूसरा नंबर बी है उसका वैल्यू कितना है 26, और इसका जो एलसीएम है वो कितना गिवन है 182, एलसीएम का वैल्यू कितना है 182। देन एचसीएफ, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है, क्लियर है ना। एचसीएफ एलसीएम और ए और बी का फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या था, ए इंटू बी। ना पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू जो भी मिला है पुट कर दीजिए, तो एचसीएफ का वैल्यू नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। एलसीएम कितना है यहाँ पे 182, ए का वैल्यू 91, बी का वैल्यू 26, क्लियर है ना। 91 जा 91 एंड 91 टू जा 82, 182, 2 से कट गया तो कितना हुआ 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ना। एचसीएफ का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे 30, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्लूड डिवीजन लेमा गिवेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दे। तो यहाँ पे इक्लूड डिवीजन लेमा कौन सा है, यदि आपका ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये आपका जो यूनिक इंटीजर्स है क्यू और आर निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन तो एक जैसा मैच हो रहा है तो ठीक है, हम लोग को ये चेक करना होगा ना। ये जीरो से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है, दैट मीन्स रॉन्ग हुआ। जीरो से बड़ा है इक्वल है लेकिन यहाँ भी इक्वल आ गया, दैट मीन्स रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। रूट 27 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपको रेशनल मिलेगा, अभी तो ये इरेशनल लग रहा है ना। रूट 27 को ब्रेक कीजिए क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3, तो यहाँ से पेयर बाहर निकल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3√3। अब इसमें एक कौन सा छोटा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये रेशनल होगा, तो रूट 3 को रेशनल करने के लिए रूट 3 ही मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और 3 जा कितना हुआ 9, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। जब भी पूछा जाए टर्मिनेट तो आप देख लीजिए 2 और 5 का पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर 4 है तो आंसर क्या हो गया 4, क्लियर है। 2 हो या 5 हो सबसे बड़ा पावर देखना है, और जितना बड़ा पावर होगा उतना ही नंबर के बाद में टर्मिनेट करेगा, क्लियर है। और यदि यहाँ पूछा जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पूछा जाता तो आप देखते 3 है 7 है 11 है तो वो क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच फिर से सेम क्वेश्चन टर्मिनेट पूछा गया ना। यहाँ पे 2 और 5 का पावर तो नहीं है तो इसको ब्रेक कीजिए, 6 × 5 को ब्रेक कीजिए, 5 से जाएगा तो कितना मिलेगा 125, अगेन 5 से जाएगा तो 25, अगेन 5 से गया तो कितना 5, तो यहाँ 5 कितना आया 4 टाइम्स आया, तो 5 × 4 लिख सकते हैं ना, तो यानी 4 ही मिला पावर, 2 तो नहीं मिला, 5 ही मिला, 4 मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी को फ़ायदा मिलेगा और मैं मोटिवेट हूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पे कौन सा है जो रेशनल नंबर है। नाउ यहाँ पे देखिए ए रूट ब्रेक नहीं होगा, दैट मीन्स रेशनल नहीं है, ए रूट ब्रेक नहीं होगा रेशनल नहीं है, ए रूट ब्रेक नहीं होगा रेशनल नहीं है, ये तो ऑप्शन डी बच रहा है, यही क्या होगा, रेशनल होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा, रूट 3 बाय रूट 27 है, क्लियर है। रूट 3 डिवाइड बाय रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, अभी लिख के बताया कि रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं, क्लियर है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 3√3, √3 कैंसिल, मिल गया आंसर क्या 1/3, और ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, मैंने बताया क्या करना है आपको, पहला तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, यहाँ सब्सक्राइब
जो है लाल करके बटन होगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे में एक लाल करके बटन है, उसको दबाएंगे तो उसके बाद में यहाँ नोटिफिकेशन का एक बेल आएगा, उसको भी दबा दीजिए ऑल में, ठीक है। बस इसको इतना ही काम करना है आपको, ऑल में दबाना है, क्लियर है। और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।